हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमारे व्यूअर हैं मनीषा, जिनका कहना है कि सर जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज़ कर रहे हैं और जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस लेते हैं और ब्लैंक डेटाबेस लेने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये व्यू आता है और यहाँ से हम चलेंगे डिज़ाइन व्यू पर, और डिज़ाइन व्यू पर जाते ही आपका आपका जो है यहाँ पर बहुत सारे डेटा टाइप आते हैं और एक डेटा टाइप आपको मिल जाता है कैलकुलेटेड, लेकिन हमारे में ऐसा कैलकुलेटेड नाम का कोई डेटा टाइप आता ही नहीं है। तो ये कैलकुलेटेड नाम का डेटा टाइप आए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आपको बता देता हूँ। आप शायद यूज कर रही होंगी 2000, या तो यूज कर रही होंगी 7 या तो 10 या तो 13, तो इन सब में आपको कैलकुलेटेड नाम का डेटा टाइप नहीं मिलेगा, तो फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे सवाल ये है। तो देखिए कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे जाइए और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपको कोई भी कैलकुलेटेड नाम का डेटा टाइप नहीं मिलेगा। अब ये 7 है देख लीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी आ रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये लिख दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट, इस तरीके से लिख दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये डेटा टाइप आपको मिलते हैं, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए यही डेटा टाइप है इसमें, तो इसमें इसके अलावा कोई डेटा टाइप आपको मिलेगा नहीं। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे अब प्राइस लिख देते हैं, पहले मैं पूरा डिटेल बना देता हूँ। यहाँ पे हम करेंसी डेटा टाइप चूज करेंगे, तो ये करेंसी कर दिया, यहाँ पे यूनिट कर सकते हैं आप, तो ये यूनिट कर दिया, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे यूनिट नंबर कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर टोटल करेंगे, तो टोटल नाम का फील्ड दे दिया हमने, और यहाँ पर आपको चूज करना होगा नंबर। नंबर के अलावा अगर आप सोचें कि टेक्स्ट कर दें तो कैलकुलेट हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नंबर कर दीजिएगा और नंबर करके यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिएगा, बाकी अपना डिटेल पूरा भर लीजिएगा व्यू पे क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे यस करिए और यहाँ पे डिटेल आप भर दीजिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेटेड डेटा टाइप तो है ही नहीं, तो फिर कैलकुलेट कैसे होगा ये बार बार मन में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 400 करते हैं ये, और यहाँ पर यूनिट 7 करते हैं, और यहाँ पे टोटल आना चाहिए, सवाल यही है यहाँ पर टोटल नहीं आ रहा है तो कैसे आएगा। तो देखिए इसमें क्वेरी बना लीजिए आप, इसको सेव कर लीजिए और यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पर एक क्वेरी बनाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे और ये आएगा क्वेरी डिजाइन, तो यहाँ से जा करके आपको बनाना होगा, ठीक है। इसमें आपको कैलकुलेटेड नहीं मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ से जाइए क्वेरी बना लीजिए, तो ये जो जो फील्ड हमें चाहिए वो ले लेते हैं, आईडी को छोड़ देते हैं, बाकी सब ले लेते हैं। यहाँ पे टोटल में हम कैसे करेंगे तो ये आपको पूरा डिटेल दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो, आसानी हो। तो ये कर लिया हमने, अब यहाँ पे कॉलन लगा दीजिएगा और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना करके प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना ही तो करना है आपको, प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट, तो यहाँ यूनिट कर दीजिए, बस हो गया, इतना ही काम करना है, बस आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ये रन करवा दीजिए, देखिए ये रिजल्ट आपके सामने है। अब जब भी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे ना, जैसे सपोज कीजिए यहाँ लिख दिया माउस, और यहाँ पे इसकी प्राइस देंगे जैसे 200 प्राइस है, और यहाँ पर 60 पीसेस इसके परचेज किए गए, तो टोटल अपने आप आता चला जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, लेकिन ये 2007, 10 या 13 इस तरह के वर्जन में नहीं मिलेगा, 2016 से स्टार्टिंग है इसकी, तो अगर 2016 वाला वर्जन है आपके पास तो वहां पर आपको कैलकुलेटेड मिल जाएगा, लेकिन उससे पुराना वर्जन है तो वहां पर कैलकुलेटेड नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।